जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड में घाघिया नदी स्कूली बच्चों की जान का खतरा बनी हुई है। दरअसल गांव के बच्चे नदी किनारे से स्कूल जाते हैं और तेज बारिश से नदी कभी भी उफान पर आ जाती है, जिससे स्कूली बच्चे कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। नदी में डूबने की घटनाएं भी कई बार सामने आई है, इसलिए पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बच्चे जिस दिन स्कूल जाते हैं अभिभावकों को चिंता बनी रहती है, इसलिए अभिभावक नदी किनारे बैठकर बच्चों का इंतजार करते हैं। नदी सभी के परेशानियों का सबब बन चुकी है, इसकी वजह से बच्चे भी पढ़ाई नहीं कर पाते और कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से लगाकर विधायक तक को की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। विधायक राजू शरण भगत ने भी महज पुलिया निर्माण का आश्वासन दे दिया। यहाँ हम लोग घघिया नाला में बहुत परेशानी है, स्कूल आने जाने में भी मुड़ी से भी बच्चा यहाँ आते हैं पढ़ने लिखने के लिए, रो लोग आते हैं जब नाला भर जाते हैं तो उसी पर रह जाते हैं। और हाँ, डूमर टोली है, डूमर टोली से भी आने जाने का वही रास्ता है। और मलसेमा है, मलसेमा बीजा घाट, यहाँ से सब बच्चे हाई स्कूल में आते हैं। वो चीज बहुत परेशानी है, जब तक नाला भर जाता है उस समय उसी पार रह जाते हैं। और हम लोग किसान को भी बहुत परेशानी है, काहे कि हम लोग हल इस पार मतलब नाला भर गया तो उस पार मतलब उस दिन हल हम लोग का बंद रहता है। और इस टाइप से बहुत बात है, हम लोग को बहुत परेशानी है। अभिभावक लोग वहाँ से मुढ़ी से लेने आते हैं, जिस दिन पानी बहुत बारिश होता है उस समय कोई भी काम छोड़ के मजदूरी भी करते रहते हैं, तो उस दिन हम लोग को भाई जिससे मजदूरी करते हैं उसी छुट्टी लेके हम लोग यहाँ लड़का लड़की लेने आते हैं। घघिया नदी में यहाँ का आदमी को बहुत परेशानी है। बढ़िया में एक तो यहाँ के लोग उधर खेती बाड़ी करने भी जाते हैं, नदी उस पार खेत है, घोड़ा है, और स्कूली बच्चे भी उसी में आना जाना कर रहे हैं। बारिश हो जाता है तो बिल्कुल मैंने वहाँ स्कूल आने वाले बच्चों को एकदम भारी परेशानी है, और बाकी किसान लोगों को भी।